लास्ट वीडियो में हमने डाटा के अंदर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। तो डाटा टाइप्स जो है वो वेरिएबल के लिए होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा। अब वेरिएबल जो है वो एक टाइप का नहीं होता, वो मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। तो हम आज वही देखेंगे कि कौन से डाटा टाइप्स होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ होते हैं। तो डेटा टाइप्स को डार्ट में कुछ ग्रुप्स में बांटा हुआ है, ठीक है। अब हर ग्रुप के अंदर कुछ अलग डेटा टाइप्स होंगी। तो अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे कि एक ग्रुप है डेटा टाइप का नंबर, स्ट्रिंग्स, बूलियंस, लिस्ट्स और मैप्स, ठीक है। जो नंबर ग्रुप है उसके अंदर आती हैं इंट, डबल और नम, ठीक है। तो हम पहले इसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो जो इंट होता है वो होल्ड करता है इंटीजर वैल्यूज़, मतलब कि बिना डेसिमल की वैल्यूज़। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ करके, जैसे कि ये इंट एज इज इक्वल टू कोई भी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो ये एज जो है वो इंटीजर टाइप का है, मतलब कि नंबर ग्रुप के अंदर आता है और ये इंटीजर टाइप का है, मतलब इसे हम कोई भी नंबर वैल्यू सेव कर सकते हैं। और जो दूसरी डेटा टाइप है वो है डबल। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया परसेंटेज नाम का, और उसमें हम कोई भी 64 बिट नंबर ऐड कर सकते हैं जो कि डेसिमल वैल्यू में होगा, जैसे कि ये। तो ये एक वैलिड डबल वैल्यू है। दूसरी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है कि वहाँ पे डबल और फ्लोट दो अलग अलग होते हैं। फ्लोट जो होता डेसिमल के लिए, बट वो उसकी लेंथ कम होती है और डबल की लेंथ ज़्यादा होती है। ऐसे ही नॉर्मल इंटीजर में होता है, एक इंट होता है, लॉन्ग होता है। इंट होता है छोटे नंबर के लिए और लॉन्ग होता है बड़े नंबर के लिए। बट डार्ट में इंट लॉन्ग का ही काम करता है। अगर आपने कम वैल्यू दी है, अगर मान लो मैंने दिया है इसमें ओनली 20, तो ये इंटीजर का काम करेगा। बट अगर मैं इसमें बहुत लंबी वैल्यू दे दूँ तो ये ऑटोमेटिकली लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें खुद से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये लॉन्ग चाहिए हमें या इंट चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही डेसिमल वैल्यू में होता है। अगर तुम यहाँ पे दूँ 2.63 तो ये अपने आप फ्लोट वैल्यू बन जाएगी। पर अगर मैं इसकी जगह कोई बहुत लंबी वैल्यू दे दूँ तो ये ऑटोमेटिकली डबल बन जाएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये डबल चाहिए या फ्लोट चाहिए, क्योंकि डार्ट में फ्लोट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डबल ही होता है। और ऐसे ही लॉन्ग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इंटीजर होता है ओनली, जो कि इंट होता है। और अगली जो टाइप है वो है नम। जो नम है ये एक हाइब्रिड टाइप है, मतलब ये इंट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इंट होना चाहिए या डबल। अगर हम कन्फ्यूज है कि हम जो वैल्यू सेव करने वाले हैं वो इंटीजर टाइप की होगी या डबल टाइप की होगी, तो हम नम ले सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं इस परसेंटेज को मैं नम टाइप कर लूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है जो परसेंटेज होगी वो डेसिमल पॉइंट में होगी, हो सकता है कि वो 83% हो, ठीक है, ये तब भी वैलिड है। अब हो सकता है कि वो 83.65 हो, ये तब भी वैलिड है, मतलब कि ये इंटीजर को भी होल्ड कर सकता है और डबल को भी होल्ड कर सकता है। इसलिए ये एक हाइब्रिड टाइप है नम, और ये दोनों के लिए यूज़ होता है, इंटीजर के लिए भी और डबल के लिए भी। तो ये तो था हमारा नंबर ग्रुप। अब नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं जो कि है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का मतलब है कि कोई भी लिटरल वैल्यू, ठीक है। लिटरल वैल्यू का मतलब कि कोई भी करेक्टर के साथ जो बनती है वैल्यू, जैसे कोई नेम हो गया, कोई वर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये खुद से ही एक वर्ड है, मतलब कि ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, ये नेम भी एक वर्ड है, ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है ये सब कुछ स्ट्रिंग है। यहाँ पे कुछ भी मैसेज आया ये एक स्ट्रिंग है, हर एक चीज़ यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। अब जो स्ट्रिंग को डिफाइन करने का मेथड है डार्ट में, उसको हम चाहे सिंगल कोट चाहे डबल कोट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। चाहे सिंगल कोट में डिफाइन कर दो चाहे डबल कोट में। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू कुछ भी, जैसे मैं अपना नेम लिख दूँ, तो जो भी चीज़ ये कोट्स के अंदर आएगी वो एक स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इसमें भी कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई वर्ड हो सकता है, कोई छोटा मोटा करेक्टर हो सकता है, और ओनली सिंगल करेक्टर भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ओनली पी भी लिखूँ तब भी एक वैलिड स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो ये होल्ड करता है ओनली इस टाइप की वैल्यू को, और इसमें नंबर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ओनली करेक्टर होते हैं, इसमें नंबर भी लिख सकता हूँ। पर अगर मैं इसमें नंबर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंटीजर हो गया या डबल हो गया। ये कोट्स के अंदर है तो इसका मतलब है ये स्ट्रिंग ही रहेगा। कोट्स के अंदर मैं कुछ भी लिखता जाऊँ, चाहे कोई मैं कोड लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, जो भी लिखता जाऊँगा,
वो रहेगा हमेशा स्ट्रिंग जब तक वो कोट्स के अंदर है, कोट्स के बाहर उसकी वैल्यू अलग होती है। जैसे ये कोट्स के बिना है ना, तो इसको अब पता लगेगा कि ये डबल होगा, इंटीजर होगा, नम होगा या क्या होगा, पर जब वो कोट्स के अंदर है फिर चाहे जो मर्जी लिखो आप, वो हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा। चाहे उसको एम्प्टी भी कर दो तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब ये है स्ट्रिंग बट इसमें वैल्यू कोई नहीं है, बट नल नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी है, वो वैल्यू बिल्कुल एम्प्टी है बट नल नहीं है। नल का मतलब होता है कि इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, बट एम्प्टी का मतलब है कि ये कंटेनर तो है बट इसमें वैल्यू नहीं है कोई। अगली टाइप आती है बूलियन। अब बूलियन का मतलब होता है कि या तो उसमें ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब या तो सक्सेस होगा या फेल होगा। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, बूल लिख के, ऐसे बूल सक्सेस ही लिख देता हूँ। अब इसमें या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है, मतलब कि ये दो ही वैल्यू कंटेन कर सकता है, मतलब ट्रू या फॉल्स, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं डाल सकते। जैसे अगर मैं इसको अगर इसमें कोट्स में लिखूं तो इसका मतलब होगा ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखो अभी देखने में तो ये लग रहा होगा आपको कि ये बूलियन है क्योंकि ट्रू है, बट ये अभी बूलियन नहीं है क्योंकि ये कोट्स के अंदर है, और जैसे मैंने अभी बताया था कि कोट्स में जो भी होगा वो एक स्ट्रिंग ही होगा, चाहे इसको नंबर में लिखो, ट्रू फॉल्स में लिखो, कोई लिस्ट लिख दो, कोई कोड लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा जब तक वो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर है। अब सिंगल कोट्स के अंदर है मतलब है कि ये स्ट्रिंग है ये, और ये बूलियन को असाइन नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसके कोट्स रिमूव करने होंगे तब ये वैलिड बूलियन बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये बूलियन है मतलब है कि इसमें या तो ट्रू वैल्यू होगी या फॉल्स वैल्यू होगी। नेक्स्ट होता है लिस्ट। अब लिस्ट का मतलब होता है कि अगर हमने बहुत सारा डेटा एक ही वेरिएबल में सेव करना है, ठीक है, हो सकता है आपने 10 यूज़र के नेम लिखने हैं एक ही वेरिएबल में, नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पे मैं वैल्यू वैसे ऐसे डिक्लेयर करता, अगर मैं 10 यूज़र के नेम सेव करने होते, जैसे नेम वन इज इक्वल टू कोई भी यूज़र जैसे पवन, ठीक है, फिर मैं और डिक्लेयर करता वेरिएबल नेम टू, उसमें स्टोर करता रोहित, तो ऐसे मुझे 10 वेरिएबल बनाने पड़ते 10 यूज़र के नेम सेव करने के लिए। पर इसी को हम एक आसान तरीके से कर सकते हैं जो होता है लिस्ट। लिस्ट का नाम से, लिस्ट के नाम से ही पता लग रहा है कि ये मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे लिस्ट से, इसको हम टाइप, इसका जेनरिक भी दे सकते हैं। अब जेनरिक का मतलब होता है कि इसकी क्या टाइप होगी, ठीक है, पहले मैं आपको बिना टाइप के बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि मैं एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया था नेम्स नाम का, और इसकी मैंने वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ये दे दी, बताता हूँ कैसे। इसको हम देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट बनती जाएगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पवन, ठीक है, कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू देता हूँ रोहित, अगली वैल्यू देता हूँ सूरज, तो अभी मैंने तीन वैल्यू दी है। अब मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा अगर नेम्स को, तो देखो इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये देखो जैसे मैंने इसको प्रिंट किया, इसमें इसने दिखाया कि ये एक लिस्ट टाइप का है, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स आई है, तो मतलब ये कि लिस्ट आई है, और इसमें तीन वैल्यू पड़ी है, एक पवन पड़ा है, रोहित है इसमें, और सूरज है, और इसमें जितनी मर्जी वैल्यू डाल सकता हूँ, इसमें लिमिट भी नहीं है ऐसा कि मैं इसमें चार वैल्यू डाल सकता हूँ या कितनी। पर मेरा काम बच गया कि मुझे मल्टीपल वेरिएबल बनाने की बजाय मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर इतनी सारी वैल्यू डाल दी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ रोहित को प्रिंट करूँ तो मैं इसका एक इंडेक्स दे सकता हूँ। जैसे इसमें जो वैल्यूज़ होती है वो इंडेक्स के बेसिस पे होती है, इंडेक्स मतलब उसकी पोजीशन, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये एक अलग अलग पोजीशन पे, जैसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। वो जो लिस्ट होती है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो हमेशा ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है, मतलब कि जो पहली वैल्यू है वो ज़ीरो पोजीशन पे स्टार्ट पड़ी है। जैसे पवन जो है वो ज़ीरो नंबर पे है, रोहित है वो पहले नंबर पे, और सूरज है वो दूसरे नंबर पे। तो अगर मैं रोहित को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं उसका इंडेक्स वन पास करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ, ऐसे में इंडेक्स पास करता हूँ कि मुझे नेम्स के अंदर पहले इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है वो मुझे निकाल के दो, पहला इंडेक्स मतलब जो दूसरे नंबर पड़ी है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आउटपुट आई है ओनली रोहित, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। अब ये लिस्ट नहीं है क्योंकि मैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकाल रहा हूँ वहाँ से, ठीक है, तो इसने ऐसे निकाल के दे दिया। तो ऐसे में लिस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स से या कोई और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ लिस्ट से, तो लिस्ट का मैं ये बेनिफिट हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं बताने वाला था जेनरिक्स के बारे में कुछ। तो जेनरिक्स का मतलब होता है कि जो लिस्ट होगी ये किस टाइप का डाटा कंटेन करेगी, ठीक है, तो इसको हमें बताना भी होगा। जैसे अभी मैंने इसको कुछ नहीं बताया, तो जैसे ही मैंने वैल्यू डाली तो ये ऑटोमेटिकली इसको पता लग गया कि ये एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बनेगी, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसमें नंबर भी डालना चाहूँ, और देखो अगर मैं नंबर डालूँ यहाँ पे नंबर, ठीक है, और अगर इसको रन करूँ, सॉरी मैं पूरे लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो ये देखो तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, स्ट्रिंग को भी होल्ड कर लिया, इंट को भी होल्ड कर लिया, और बूलियन को भी होल्ड कर जाएगा। जैसे मैं इसमें कर दूँ फॉल्स, और मैं
डबल वैल्यू भी डाल देता हूँ, जैसे 5.52.96, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो, ये जो लिस्ट है इसने मल्टीपल टाइप की डेटा को होल्ड कर लिया है। ये तीन वैल्यूज जो हैं वो स्ट्रिंग है, ये वाली इंटीजर है, ये बूलियन है और ये डबल है। तो इसका मतलब है कि लिस्ट जो होती है वो किसी भी टाइप को स्टोर कर लेती है। वो क्यों कर लेती है? क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप है वो डायनेमिक है। और जैसे मैंने पहले बताया था, डायनेमिक का मतलब कि कोई भी डेटा टाइप, पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना कि डायनेमिक के बारे में। इसलिए तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो लिस्ट हो एक पर्टिकुलर टाइप की हो, मतलब मैं नहीं चाहता कि सारा कुछ मिक्स हो जाए, मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग आए और कोई टाइप ना आए, तो फिर उसके लिए क्या है, मैं जेनरिक डिफाइन करता हूँ। अब जेनरिक कैसे डिफाइन होते हैं? उस टाइप के आगे ऐसे ब्रैकेट्स लग जाएगी और ब्रैकेट्स में मैं बता दूंगा, जैसे मुझे चाहिए ये स्ट्रिंग टाइप की। अब जो ये लिस्ट नेम्स बना है ये स्ट्रिंग टाइप का है। और देखो, इसने स्ट्रिंग को तो वैलिड बोला बट इन तीनों को इसने इनवैलिड बोल दिया कि ये तीनों स्ट्रिंग की टाइप में नहीं है, इसको या तो रिमूव करो या फिर इसको कोट्स में डालो। तो अब फिर मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। और अब अगर मैं सेव करता हूँ, अब इसमें सिर्फ नेम्स ही पड़े हैं क्योंकि अभी हमने नेम्स ही सेव किए हैं। तो अब जो ये लिस्ट बनी है ये स्ट्रिंग टाइप की बनी है। तो अगर इसको मैं इंट कर देता हूँ तो अब इसको इंटीजर वैल्यू ही चाहिए। अब ये स्ट्रिंग जो है ये इनवैलिड है, तो मतलब है कि यहाँ पे मैं 10, 20, 58, 45 ये स्टोर कर सकता हूँ। तो अब ये लिस्ट बनी है इंटीजर टाइप की, मतलब कि मैंने इसको जेनरिक दे दिया है कि ये लिस्ट इस टाइप की बने। मैं इसको ये भी बता सकता हूँ कि ये डायनेमिक टाइप की लिस्ट बने। अब ये देने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि लिस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक टाइप की होती है, इसलिए इसको मैं दूँ या ना दूँ एक ही बात होती है, ठीक है। अब भी मैं इसमें कुछ भी सेव कर सकता हूँ क्योंकि अब मैंने इसको डायनेमिक टाइप का बना दिया, तो मतलब है कि इसकी वैल्यू भी डायनेमिक हो सकती है, है ना। देखो ये तीन चार जो है ये इंटीजर हो गए और ये वाली वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है। तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शनल वैल्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती ही है। और जो लास्ट डेटा टाइप है वो है मैप्स, ठीक है। उसको हम बनाते हैं मैप से, जैसे मैप स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम ऐसे इस ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, मतलब कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है। और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं वैल्यूज़ को। बट जो मैप होता है वो क्या होता है, एक मैपिंग होती है उसमें। मैपिंग का मतलब एक लिंकिंग होती है की और वैल्यू की, मतलब इसमें दो वैल्यू स्टोर होंगी एक एक साथ, एक उसका की होगा एक उसकी वैल्यू होगी। की वैल्यू का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ हम लिंक करके चलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने कर दिया एक नेम, और नेम कर दिया मैंने पवन, फिर लिखा मैंने एज, एज लिख दी मैंने 20-30, ओके। उसके बाद मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दी कंट्री, उसको मैंने कर दिया इंडिया, ओके। तो अब क्या है कि ये जो मैप बना है ये की वैल्यू से बना है। की वैल्यू मतलब ये इसकी की है, ये इसका वैल्यू, मतलब कि मैंने स्टूडेंट में डिफ़ाइन किया है कि इसमें एक नेम पड़ा है, नेम उसका क्या है पवन, एज पड़ी है वह 30, कंट्री पड़ी है वो है इंडिया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमने इसमें की और वैल्यू को स्टोर किया है, मतलब अब वो भी मल्टीपल टाइप की हो गई, है ना। देखो ये स्ट्रिंग टाइप की है, ये इंटीजर टाइप की है और ये स्ट्रिंग टाइप की है, मतलब की जो है वो सेम टाइप की है, चल रही है। देखो की मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की दी है, ये मल्टीपल टाइप की नहीं दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो मल्टीपल अलग अलग टाइप की है, क्योंकि इस जो मैप की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके जेनरिक्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, बताता हूँ आपको, ठीक है। डायनामिक डायनामिक टाइप के, मतलब इसकी की जो है वो भी डायनामिक है, इसकी वैल्यू है वो भी डायनामिक है, मतलब इसलिए इसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ और इसको मैं दूँ ना दूँ एक ही बराबर है। पर अगर मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर दूँ कि इसकी की जो है वो इंट टाइप की हो और जो इसकी वैल्यू हो वो डायनामिक हो जाए। अब इसने एरर दे दिया, अब ये कह रहा है कि इसकी की जो है वो स्ट्रिंग में दे रहे हो, अब ये गलत है। तो ये कह रहा है कि इसको इंटीजर में दो, जैसे कि मैं इसको 1 दे दूँ, इसको मैं 4 दे दूँ और इसको मैं 3 दे दूँ, अब ये वैलिड है क्योंकि इसकी अब जो की है वो उस टाइप की है जो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर की है, और वैल्यू जो डायनेमिक है जो कि कुछ भी हो सकती है, कोई इंटीजर बूलियन कुछ भी, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, इसको मैं रन करता हूँ, इसको पहले मैं रन करता हूँ इसको, तो ये देखो इसमें क्या है, ये ऐसे प्रिंट हुआ है। और इसमें क्या बता रहा है कि 1 है उसकी वैल्यू पवन है, 4 है उसकी वैल्यू 30 है, और 3 है उसकी वैल्यू इंडिया है, ठीक है। अगर इसको मैं पहले जैसा कर देता, जैसे पहले था, तो एक बार देखते हैं कि कैसे आउटपुट आती है, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट को प्रिंट करता हूँ, अब देखो अब क्या है कि नेम आया है उसका पवन, एज आई उसकी 30, कंट्री आई है इंडिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैप आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, बट उस टाइम जब हमको कुछ ऐसे टाइप का डाटा चाहिए कि हम एक लिंकिंग करना चाहते हैं। हम जैसे लिस्ट में क्या कर रहे थे, हमने सिंपली वैल्यू दे दी थी 10, 20, 50, 45, 51। अब हमें नहीं पता था ये 10 क्या चीज़ है, 20 क्या चीज़ है, 55 क्या चीज़ है, 45 क्या चीज़ है, 51 क्या चीज़ है ना।
पर इसमें तो हमें ऐसा था ही नहीं, क्योंकि हम तो इसमें नेम सेव कर रहे, तो हमें था कि ठीक है जो भी इसमें वैल्यू होगी वो नेम होगी। जैसे मैं 20 हमें ये अज्यूम कर लिया कि चलो 20 उसका नेम है यूज़र का, ठीक है। पर अगर हम ये भी सेव करना चाहते हैं कि जो हम वैल्यू सेव कर रहे हैं वो क्या होगा, तो उसके लिए हम मैप यूज़ करते हैं ताकि हम ये बता सकें अगर ये 30 प्रिंट हुआ ये क्या चीज़ है, तो क्या ये एज है उसकी, ठीक है। इंडिया प्रिंट हुआ तो हम उसको नेम नहीं मानेंगे, हम उसको वो मानेंगे जो उसकी वैल्यू है, मतलब की है जो उसकी, मतलब कंट्री। तो इससे हमें पता लग गया कि हाँ उसकी कंट्री उसकी इंडिया है, ऐसा नहीं है कि ये ना इसका नेम इंडिया है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर में। और इसकी अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को हमने प्रिंट करना है, जैसे मान लो मैंने इसकी एज को प्रिंट करना है, तो लिस्ट में क्या होता था कि जो जितने इंडेक्स पे था, मतलब कि ये 0 1, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं यहाँ पे 1 देता था, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं 1 दे देता था तो मैं लिस्ट में से डाटा निकाल सकता था, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि मैं उसकी की को दूंगा, यहाँ पे इसकी की कौन सी, जैसे मैंने एज निकालनी है तो इसकी की है एज, तो यहाँ पे मैं दूंगा एज, ठीक है। अगर इसमें इसको रन करूँगा तो उसका 30 प्रिंट हो गया, मतलब कि ये लिस्ट से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लिस्ट में क्या है कि हमें पहले देखना पड़ता है कि वो कौन सा इंडेक्स होगा। जैसे मैंने ये पवन प्रिंट करना है तो मुझे पहले देखना होगा 0 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा तब मुझे पवन प्रिंट होगा। बट अगर मैं इंडिया प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली लिख दूँगा कंट्री, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है 0 1 2 कौन से इंडेक्स पे, मैं सिंपली उसकी की लिख दूँगा। की लिखी मैंने जैसे ही रन किया तो उसकी जो कंट्री होगी वो प्रिंट हो जाएगी, जो कि है इंडिया, ठीक है। तो सभी डेटा टाइप का अपना अपना यूज़ है, वो हमारे काम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप को कब यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इन सबको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे अभी देखो हम मैप के अंदर इन टाइप्स को भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। कि देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि ये डायनेमिक होता है, जैसे ये स्ट्रिंग होता है, देखो मैंने मैप के अंदर स्ट्रिंग भी यूज़ कर लिया और इसको मैंने डायनेमिक रख दिया, क्योंकि मैंने बताया था एक डायनेमिक डाटा टाइप भी होती है। तो मतलब है कि मैप जो है इसके जेनरिक्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। मैप मैप टाइप का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैप सिर्फ स्ट्रिंग डबल इंटीजर ये होंगे। मैप जो है वो एक मैप टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, एक लिस्ट टाइप का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर मैं बेसिक एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे अगर मैं बताऊं कि एक मैप होगी उसकी जो की होगी वो स्ट्रिंग टाइप की चाहता हूं मैं, पर मैं चाहता हूं कि जो उसकी वैल्यू होगी वो भी एक मैप टाइप की हो, और उसमें मैप टाइप में वो भी एक स्ट्रिंग टाइप की हो, वो दोनों वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की हो मैप के अंदर दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या बनाया मैंने, लिंक्स बना दिए मान लो मैंने, ठीक है। तो अब मैं कैसे डिफाइन करूँगा इसको, देखो सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जो पहला इसका है वो है की, मतलब कि मैंने की दे दी, जैसे मान लो फेसबुक दिया सपोज, ठीक है, ये उसकी की हो गई। अब उसकी जो वैल्यू होगी वो फिर से मैप है, मतलब फिर से मैं करली ब्रेसेस में लिखूँगा। अब उसमें फिर से स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप की, मतलब अब मैं यहाँ पे दूंगा जैसे मान लो मेरी प्रोफाइल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा। जैसे मान लो मैं ये देता हूँ, मैंने ये दे दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब मैं देता हूँ जैसे कि ये है ना, मैं प्रोफाइल की जगह दे देता हूँ होम, ठीक है। तो वो भी मैं कुछ और लिंक दे सकता हूँ, कुछ भी, जैसे google.com दे दिया मैंने सपोज, ठीक है। तो अब ये कैसा बना है कि ये जो हमारा मैप बना है ये मैप के अंदर मैप है, है ना, आप देख सकते हो ना, ये एक मैप बना जहाँ पे करली ब्रेसेस है, मतलब कि मैप है वो, ये एक मैप बना, इसके अंदर अलग से मैप पड़ा है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ तो देखो ये कैसी आउटपुट आएगी, तो ये देखो ये इस टाइप की आउटपुट आई है कि मैप है कुछ, उसके अंदर फेसबुक है, उसके अंदर फिर से मैप है, उसके अंदर एक पड़ा है प्रोफाइल और एक पड़ा है होम, और इसकी वैल्यू है google.com, इसकी है facebook.com/pavan, ठीक है। तो ऐसे मैप्स लिस्ट वगैरह बनते हैं, लिस्ट को भी ऐसे मैं बना सकता हूँ, लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि मैं डेटा टाइप को कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये होती हैं डेटा टाइप्स डार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो आई कैन क्रिएट मोर वैल्यूएबल कंटेंट फॉर यू। फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।